हेलो गाइस, वेलकम टू इंडीटेक इन्फो। मैं हूं राम, और जैसा कि आपने मेरे पिछले वीडियो में बहुत सारे सवाल मुझसे पूछे थे कि गायब होने वाला वीडियो आपने बनाया है, लेकिन इसमें से वापस से प्रकट होने वाला वीडियो आप हमें बना के दिखाइए, तो आज मैं प्रस्तुत हूं लेकर फिर से गायब होने वाले वीडियो का पार्ट टू लेकर। इसमें आपको पहले मैं बताऊंगा कि गायब कैसे होना है, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि प्रकट कैसे होना है। तो आप मेरे साथ देखते रहिए। और इससे पहले मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहूंगा, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें, जिससे कि मेरे आने वाले सभी वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। तो देखते रहिए। और एक और चीज, दिवाली के उपलक्ष्य में अब से लेकर 5 दिन के अंदर तक जितने ज्यादा सब्सक्राइबर मेरे चैनल पर आएंगे, उन सभी को मैं कम से कम 10,000 रुपये का सॉफ्टवेयर बिल्कुल फ्री दूंगा अपने चैनल की तरफ से। तो जुड़ते रहिए मेरे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग हिंदी टेक इन्फो। और भाई दीपक, क्या हो रहा है? बाहर मन्ना बढ़िया है, पढ़ाई पढ़ाई आ गए। नंदू का नंदू क्यों कौन किया था उसे? उसको पता था कि त्योहार पे काम होता है और आज ही छुट्टी करेगा वो। ठीक है, तुम रुको, मैं उसको अभी पकड़ के लेके आता हूँ। थोड़ा चीज चढ़ जाओ बस। ठीक है, और मैं चला। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, एक वीडियो शूट करना है, उसके बाद आपको अपना काइन मास्टर ओपन करना है। इसके बाद आप मीडिया ब्राउजर में चले जाइए और जो भी वीडियो आपने शूट किया है उसे यहाँ पर ओपन कर लीजिए। तो मैं यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ एक वीडियो जो मैंने शूट किया है। ये आ गया। ठीक है, ये वीडियो है नॉर्मल जो हमने शूट किया है। तो हम इसे क्या करेंगे, थोड़ा सा स्लाइड करेंगे और जहाँ पर मैंने चुटकी बजाई थी वहाँ पर इसको हमें कट करना है, केवल कट करना है और कुछ नहीं करना है इसमें। तो ये देखिए, मैं थोड़ा सा ये चुटकी बजा दी मैंने यहाँ पर, ये ठीक है ना। और यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर टिक करना है वीडियो पर, और उसके बाद ऊपर जो कैंची छपी हुई है इस पर आपको क्लिक करने के बाद तीसरे नंबर पर स्प्लिट एंड प्लेहेड पर क्लिक करके इसके 2 टुकड़े वीडियो के आपको कर देने हैं। इसके बाद इसको आपको थोड़ा सा और स्लाइड कराना है, जहां पर मैं यहां से चला गया हूं और केवल दोनों लड़के बचे हैं, यहां तक इसको आपको लेके आना है यहां तक, और यहां से भी इस वीडियो को आगे की तरफ से कट कर देना है। तो सबसे पहले वाला ट्रिम टू लेफ्ट प्लेहेड पर क्लिक करना है, तो ये वीडियो यहां पर कट जाएगा। तो मैं इसको आपको और इसमें एक इफ़ेक्ट में आपको डाल के दिखा देता हूँ। इसमें तीसरे नंबर पर है क्लासिक ट्रांजिशंस, तो इसमें सबसे लास्ट वाला ये वाला इफ़ेक्ट आपको यहाँ पर लेना है, और समय को थोड़ा सा कम रखिए। ऊपर देखिए समय के हिसाब से मैं गायब हो रहा हूँ, ठीक है ना। तो मैं इसको थोड़ा सा कम ही रखूँगा और इसको राइट क्लिक कर देते हैं। थोड़ा प्ले करके मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये मैं गायब हो चुका हूँ। इसमें क्या करना है, हमें अब एक इफेक्ट यहाँ पर लगाना है, वो मैं बाद में बताऊंगा। थोड़ा सा इसको एक वीडियो को एक जगह से और मुझे कट करना है। तो यहाँ तक ये लड़के यहाँ पर अकेले खड़े हुए हैं और मेरी एंट्री हो रही है, तो मुझे एंट्री यहाँ पर नहीं होने देनी है। यहाँ पर फिर से वीडियो पर क्लिक करना है एंट्री से पहले, और एक बार फिर तीसरे नंबर पर स्प्लिट एड प्ले एड पर क्लिक करके वीडियो के 2 टुकड़े यहाँ पर भी कर देने हैं, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर मैं लड़के को अपने साथ में लेके आया हूँ, ये देखिए। और जैसे ही मैं इसको थोड़ा सा हिट करूँगा और वहीं से इस वीडियो को कट कर दूँगा, ताकि ऐसा लगे कि मैं इसको सच में लेके आया हूँ, ठीक है, गायब होके। तो ये यहाँ पर आ गया, ठीक है। ये थोड़ा सा मैं इसको हिट किया और इसको थोड़ा बैक करता हूँ यहीं से, ठीक है। और यहाँ पर हमें क्या करना है, कैंची का उपयोग करते हुए फिर से यहाँ पर सबसे ऊपर वाला ट्रिम टू लेफ्ट और प्ले हेड पर क्लिक कर देना है, तो आगे का वीडियो कट जाएगा। और यहाँ पर भी हमें वही इफ़ेक्ट दे देना है फिर से जो हमने उसमें दिया था पहले वाले में, ठीक है। अब इसको प्ले करके मैं आपको दिखा देता हूँ। टाइमिंग भी इसकी थोड़ी सेट कर देते हैं हम, थोड़ी सी कम से कम रहनी चाहिए। ये हो गया, ठीक है। अब मैं इस वीडियो को यहाँ से आपको प्ले करके दिखाता हूँ। ये देखिए, मैं गायब हो गया, ये लड़के यहाँ पर अकेले हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ से यहाँ पर फिर से आ जाऊँगा, ये आ गया, ठीक है। तो अब हमारा ये काम तो परफेक्ट हो चुका है। अब हमको डालना है इसमें वीडियो में इफ़ेक्ट। तो हमें वीडियो इफ़ेक्ट के लिए क्या करना होगा, हमें जाना होगा इसके लिए यूट्यूब पर, वो मैं आपको बाद में बताऊँगा,
पहले मैं जो वीडियो इफेक्ट ग्रीन स्क्रीन के डाउनलोड किए हैं वो यहाँ पर आपको मैं लगा के दिखा देता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताऊँगा यूट्यूब से ये इफेक्ट कैसे डाउनलोड करने हैं। तो आप जाइए लेयर में, लेयर में जाने के बाद सबसे ऊपर मीडिया का ऑप्शन है। मीडिया के ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पर आपको मुझे जो वीडियो मैंने यहाँ पर ग्रीन स्क्रीन के यहाँ पर लगाए थे वो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ। ये देखिए ये इफेक्ट है जो मैंने अपने लिए डाउनलोड किए हुए हैं। तो मैं यहाँ से इसको कट कर दूंगा राइट साइड से और इसको यहाँ आगे ले आता हूँ। थोड़ा सा और मुझे इसे कट करना पड़ेगा लगभग यहाँ से, ठीक है। तो मैं इसको तो फिर से फर्स्ट वाले पर कट कर देता हूँ और इसे यहाँ पर ले आता हूँ। तो पहले मैं इसको क्या करूँगा, सबसे पहले मुझे इस वीडियो में करना क्या है, इसमें जो ग्रीन स्क्रीन है इसको मैं फुल कर लेता हूँ यहाँ तक, ठीक है। और इसके बाद हमें क्या करना है, नीचे की तरफ जिस पर ये लड़की छपी हुई है इस पर क्लिक करना है, क्रोमा मतलब क्रोमा का है ये, इसको यहाँ पर हम इनेबल कर देंगे तो ये ग्रीन स्क्रीन यहाँ से गायब हो जाएगा और यहाँ केवल आपको ये धुआं ही धुआं स्मोक ये नज़र आएगा। तो इसको थोड़ा सेट कर लीजिए, इसमें ग्रीन स्क्रीन का इफेक्ट आ रहा है वो थोड़ा कम हो जाए तो और ज़्यादा ये बेहतर लगेगा। तो मैं इसको थोड़ा सा कम कर देता हूँ, ये देखिए। अब मैं क्या करूँगा, इसको थोड़ा प्ले करके देखते हैं आखिर हुआ क्या था। ये थोड़ा आगे सरकाना है हमें और फर्स्ट वाले इफेक्ट पे डालना है जहाँ पर हमने गायब होने का सीन किया था, ठीक है। तो हम यहाँ पर इसे प्ले करेंगे, ये देखिए ये इफेक्ट हो गया। इसको थोड़ा सा और सरकाते हैं क्योंकि ये परफेक्ट टाइमिंग नहीं आई है, ठीक है। फिर से इसे प्ले करके देखते हैं हम, और थोड़ा हमें इसको स्लाइड करना पड़ेगा क्योंकि अभी टाइमिंग परफेक्ट नहीं है। अब ये ओवर हो गया है, इसको वापस से हमें थोड़ा और पीछे खींचना है। ये यहाँ पर हम इसको कर देते हैं और एक बार और, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये टाइमिंग मैच नहीं कर रही, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर फिर से एक बार प्ले करके देख लीजिए कितना टाइमिंग का अंतर है, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, इफेक्ट में जाएंगे और इसको थोड़ा सा और कम कर देंगे, ठीक है। तो अब ये परफेक्ट टाइमिंग शायद यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से गायब होने वाला सीन हो चुका है। अब हमें क्या करना है, इस वीडियो को यहाँ पर लाकर यहाँ तक इसे हम कट कर देंगे ग्रीन वाले को बैक साइड से। तो इसमें सेकंड वाले ट्रिम टू राइट ऑफ प्लेट पर क्लिक करेंगे तो ये वीडियो यहाँ तक कट जाएगा, केवल यहाँ तक का रह जाएगा। तो अभी ये मुझे परफेक्ट नहीं लग रहा है तो मैं इसे वापस से प्ले करके देखूँगा कहाँ कमी रह गई है, ठीक है। ये मुझे थोड़ा और आगे सरकाना पड़ेगा स्लाइड, बस फिर से इसे प्ले करूँगा, थोड़ा सा और मैं इसे स्लाइड करना चाहूँगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर इफेक्ट को थोड़ा और मैं बढ़ा के देख लेता हूँ क्योंकि अभी मुझे परफेक्ट मैच नहीं लग रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसको दिखा देता हूँ आपको प्ले करके एक बार फिर से। तो यहाँ एकदम परफेक्ट हो चुका है ये, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर थोड़ा साउंड लगाना है, जो हमने गायब होने पर जो साउंड होना चाहिए वो यहाँ पर एक्चुअल नहीं है। तो हमें क्या करना है, ऑडियो में जाएंगे, मैंने यहाँ पर कुछ साउंड भी डाउनलोड किए हुए हैं तो फोल्डर में से मैं वो साउंड ले लेता हूँ, ठीक है। तो ऑटोमेटिक बोटल रॉकेट साउंड, ठीक है। तो मैं ये साउंड यहाँ पर ले लेता हूँ, प्ले करके देख लें पहले, ठीक है। तो ये साउंड हमें यहाँ पर लगा देना है। तो अब मैं इसको वापस से आपको दिखाता हूँ प्ले करके, साउंड इफेक्ट भी यहाँ पर आ जाएगा। ये साउंड पहले थोड़ा बज रहा है, इसको थोड़ा और हमें स्लाइड करना पड़ेगा, तो ये साउंड यहाँ पर परफेक्ट हो चुका है। तो यहाँ तक का हमारा वीडियो
ओके हो चुका है। अब हमें क्या करना है यहाँ पर, तो दूसरा करना इफेक्ट क्या है, देना है। यहाँ पर हमें दूसरा इफेक्ट डालना है हमारा प्रकट होने वाला। तो हम लेयर में जाएंगे और मीडिया में जाएंगे, इसके बाद जो वीडियो हमने यूट्यूब से डाउनलोड किया है उसे हम यहाँ पर ले लेंगे। तो ये वीडियो मैं यहाँ पर ले चुका हूँ, ठीक है। तो हम इसे स्लाइड करेंगे और वहाँ से कट करेंगे जहाँ से इसमें इफेक्ट आने शुरू हुए हैं। तो ठीक है, ये यहाँ पर आपका देखो इफेक्ट आ रहा है, तो मैं इसे थोड़ा सा और बैक करके क्रॉप करूँगा। ये देखिए यहाँ इसकी स्टार्टिंग पोजीशन है, ठीक है। इसको थोड़ा और मैं स्लाइड कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अभी भी नहीं है ये स्टार्टिंग पोजीशन, तो ये यहाँ पर है। यहाँ पर क्या करूँगा मैं, इस वीडियो को आगे की तरफ से कट कर दूँगा। तो इस पर क्लिक करना है हमें और कैंची पर जाना है, ट्रिम टू लैपटॉप प्ले हेड पर क्लिक करना है और ये वीडियो आगे से क्रॉप हो जाएगा। इसके बाद हमें थोड़ा इसको स्लाइड करना है, ठीक है। और यहाँ पर हमें करना क्या है, इसमें ग्रीन स्क्रीन का जो इफेक्ट है वो गायब करना है, केवल यहाँ पर इफेक्ट ही रहना चाहिए, ठीक है। तो इस पर क्लिक करने के बाद जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो क्रोम आ जाएगा। इस पर क्लिक कर लीजिए और यहाँ से इफेक्ट को ऑन कर दीजिए। के कलर पर क्लिक करना है और यहाँ से हमें ग्रीन कलर सेलेक्ट करना है जो हमें इरेज करना है, ठीक है। तो इसमें हमें क्या करना है, यहाँ पर हम करेंगे और यहाँ पर हम कर देंगे 61%, ठीक है। ये हो गया। अब ऊपर वाले से हम थोड़ा एडजस्ट ऐसे कर लेंगे जिससे कि हमारा इफेक्ट क्लियर हमें लगे, ठीक है। ये यहाँ पर हो गया, ये लीजिए, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना है, इसको थोड़ा सा इधर करना है जिससे कि हमारा वीडियो जेन्युइन लगे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसको हमें यहाँ पर क्लिक करना है वीडियो पे और इसे रोटेट कर लेना है। ये हो गया रोटेट, और इससे थोड़ा सा हम जूम कर लेंगे, ठीक है। ये यहाँ पर आ गया। अब हमें इस इफेक्ट को परफेक्ट जगह पे लगाना है जहाँ से हमने प्रकट होने वाला वीडियो बनाया लेते था। हैं ये दोनों तो ये इफेक्ट हम स्लाइड प्रॉपर कर... काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो प्ले करेंगे वीडियो को और ये देखिए फर्स्ट इफेक्ट हो गया और ये सेकंड इफेक्ट हो गया, ठीक है। तो वीडियो इफेक्ट डाउनलोड करने के लिए हमें यूट्यूब पे जाना है और यहाँ पर आपको सर्च करना है स्मोक एक्सप्लोजन, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारे आ जाएंगे और ये आपका वीडियो इफेक्ट ये रहा ग्रीन वाला, आप देख सकते हैं। यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और भी बहुत सारे यहाँ पर इफेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं प्रकट होने के लिए या गायब होने के लिए। तो यहाँ पर जाइए, इसका भी तरीका मैं आपको बता देता हूँ डाउनलोड करने का, क्योंकि यूट्यूब से डायरेक्ट डाउनलोड करना संभव नहीं है। तो जैसे ही आपने इसको प्ले पर क्लिक किया तो नीचे शेयर का बटन है, इस पर शेयर पर क्लिक कीजिए और शेयर पर क्लिक करने के बाद जैसे इसमें बहुत सारे ऑप्शन खुलेंगे तो यहाँ पर डाउनलोड वीडियो पर क्लिक करना है। तो डाउनलोड वीडियो पर क्लिक करना है यहाँ पर, तो ये विडमेट नाम के एक सॉफ्टवेयर में ओपन हो जाएगा। ये सॉफ्टवेयर भी आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, इसका नाम है विडमेट, ठीक है। तो जैसे ही ये यहाँ पर ओपन हो जाएगा तो ये यहाँ पर बहुत सारे साइज देगा कि आपको किस साइज में ये वीडियो चाहिए, ठीक है। तो अभी यहाँ पर बहुत सारे यहाँ पर ये गेटिंग वीडियो इन्फॉर्मेशन शुरू हो गया है यहाँ पर, आप देख लीजिए। और अब यहाँ पर ये साइज आ चुके हैं, बहुत सारे साइज। तो हमें सबसे ऊपर टॉप वाले पर क्लिक करना है और यहाँ पर डाउनलोड कर देना है। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से कोई भी साइज चुन सकते हैं, उतने ही MB में ये डाउनलोड होगा। तो डाउनलोड पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि मेरे में पहले डाउनलोड हो चुका है तो ये बता रहा है टास्क पहले से मौजूद है, ठीक है। और यहाँ से आप उसको देख सकते हैं कि यहाँ पर डाउनलोड हो रहा है, ठीक है। मेरा ऑलरेडी हो चुका है, यहाँ पर ये इफेक्ट देख रहे हैं आप, डाउनलोड हुआ हुआ है मेरा। तो आप ये वीडियो देखकर सीख ही चुके होंगे, तो मैं जानना चाहता हूँ आपको मेरा आज का ये वीडियो कैसा लगा, कृपया कमेंट में जरूर लिखें। और अच्छा लगा हो तो कृपया जाते जाते एक लाइक जरूर करके जाएं, जिससे कि मुझे और ज्यादा वीडियो बनाने में आनंद आए। थैंक्स फॉर वॉचिंग हिंदी टैग इन्फो।